हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएनटेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी जो हमारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, प्याज की खेती में आपको ऐसे छह कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप इन छह कार्यों को किसान में जो छह गलतियाँ हमारे काफ़ी किसान भाई करते हैं, अगर इन छह गलतियों पर कार्य कर लेते हैं तो किसान भाई प्याज की फसल से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, ऐसे कौन से छह कार्य आपको नहीं करना है, ऐसे कौन से छह कार्यों को आपको ध्यान रखना है, तो किसान भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ऐसे कौन सी छह गलतियां जो हमारे किसान भाई करते हैं, जो अगर नहीं करेंगे उन पर सुधार कर लेंगे, उन पर कार्य कर लेंगे तो प्याज की फसल से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले पाएंगे। तो जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाई, पहली मैं बात करना चाहूँगा कि जब हमारी प्याज की फसल वेजिटेटिव ग्रोथ पर होती है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ पे होती है, तो किसान भाई अगर उस समय पर हमारे जो किसान भाई हैं सही तरीके से कार्य कर पाते हैं, यानी कि उसको सही जो खाद का प्रयोग कर पाते हैं, जैसे कि उस समय पर हमें एनपीके या अन्य खाद का प्रयोग करना होता है, जो फास्फोरस या पोटास की हमें जो पूर्ति करना होती है, तो अगर उस समय पर हमारे जो किसान भाई पूर्ति कर देते हैं खाद की, तो हमारी प्याज की फसल शुरुआत के दिनों में काफ़ी अच्छी चल के स्टार्ट होती है और हमें इससे अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिलता है, अच्छा इसका रिजल्ट देखने को आगे मिलता है। अब किसान भाइयों, आगे हम बात कर लेते हैं कि वनस्पतिक ग्रोथ जब सेकेंड स्टेज आती है। किसान भाइयों, जो दूसरा हमारा टॉपिक है कि आपको दूसरा कार्य ये करना, जब आपकी वनस्पतिक ग्रोथ पे आपकी प्याज की फसल होती है किसान भाइयों, तब आपको उस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है देने के लिए। तो किसान भाइयों, आपको नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं देना, आप इसके लिए अमोनियम सल्फेट या एनपीके 1919 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इसका करते हैं वनस्पतिक ग्रोथ के समय पर किसान भाई, आप कार्य ये कर देते हैं, उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं किसान भाइयों, तब आप प्याज से एक अच्छी रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि तीसरा हमारा सबसे बड़ा क्या रीज़न होता है हमारी जो प्याज की फसल में थ्रिप्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देती है। तो किसान भाइयों, आपको अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ पर कार्य करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी थ्रिप्स की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। किसान भाई, जो हमारी थ्रिप्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देती है प्याज की फसल में, तो किसान भाई आपको ये कार्य करना है कि थ्रिप्स के लिए जब सपोज आप किसी टेक्निकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगली बार थ्रिप्स के लिए दूसरे टेक्निकल का ही प्रयोग करें। आप टेक्निकल बदलते जाएँ तब आप थ्रिप्स का खत्मा कर सकते हैं, तो टेक्निकल के चेंज करके ही स्प्रे करना। अगर आप ऐसा करते हैं किसान भाई, तो आपकी थ्रिप्स की समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं चौथी बात करना चाहूँ, किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि उनकी जो प्याज की फसल है उसमें पीलापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्या रीज़न होता है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो किसान भाइयों, आपको उस समय पर सिंचाई का ध्यान देना है, क्योंकि जितनी आवश्यकता होती है किसान भाइयों, आपको उतना ही सिंचाई करना है। आप ज़्यादा सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, इससे हमारी जो प्याज की फसल होती है किसान भाइयों पीली पड़ जाती है। और इस समय पर किसान भाइयों, आप किसी भी अच्छे, जैसे कि आप किसी भी सागरिका या बायोबीटा का स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों, तो हमारी जो प्याज की फसल है उसमें पीलापन खत्म हो जाएगा और एकदम हरी भरी दिखाई देगी। आइए हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों की जो हमारी पांचवी चीज़ होती है पीजीआर। किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाई हमारे गलती करते हैं कि पीजीआर टॉनिक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसान भाइयों आपको पीजीआर टॉनिक का अवश्य प्रयोग करना है। इससे ही होगा किसान भाइयों, आपकी जो प्याज की फसल है उसमें अगर आप एक बार पीजीआर टॉनिक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो आपकी जो प्याज की फसल है उसका जो कंद साइज होगा, कंद साइज बढ़कर के आएगा और एकदम आपकी जो प्याज की फसल है उसकी हाइट भी अच्छी होगी और आपको देखने में एकदम हरा भरा दिखाई देगा। छठी चीज़ होती है किसान भाइयों, आपकी बहुत ज़्यादा आपको वो करना है, छठी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ किसान भाइयों, अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपकी प्याज की फसल पर किसान भाइयों, जो आपने पिछले साल पैदावार लिया था, तो इस साल आप दोगुना पैदावार लेने वाले हैं किसान भाइयों। आपको जब 80 दिन की आपकी प्याज की फसल हो जाए किसान भाइयों, तब आपको पीजीआर टॉनिक का अवश्य प्रयोग करना है। आप टाइम नोट कर ले किसान भाई, जब आपकी फसल 80 दिन की हो जाती है तो किसी भी एक अच्छे पीजीआर टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप टॉनिक मेरी तरफ से पूछेंगे किसान भाइयों, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको टॉनिक का नाम बता दूंगा। तो किसान भाइयों, आप उस समय पर 80 दिन की फसल हो जाती है प्याज की, आपको एक स्प्रे कर देना है। अगर आप स्प्रे कर देते हैं किसान भाई, तो आपको जो साइज आएगा कंद का, वो साइज पिछले साल के मुकाबले बहुत ही अच्छा होगा और आप पिछले साल से अच्छा मुनाफा ले पाएंगे किसान भाइयों। तो आशा करते हैं किसान भाई, हमारी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।